हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आईपीएल 2022 में कुल 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेने जा रही हैं। अहमदाबाद की नई फ्रेंचाइजी टीम ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान चुना है। आईपीएल में अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए खेले हार्दिक इस बार अहमदाबाद की कप्तानी करते दिखेंगे। आईपीएल 2021 में बॉलिंग नहीं कर सके हार्दिक, क्या आने वाले सीजन में बॉलिंग करेंगे? इसका जवाब सभी लगातार खोज रहे हैं। हालांकि जब हार्दिक से पूछा गया कि वो गेंदबाजी करेंगे या नहीं, तो इस पर हार्दिक ने सीधा जवाब नहीं दिया। इसके अलावा हार्दिक ने कहा, T20 वर्ल्ड कप 2021 सिलेक्टर्स ने उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर ही चुना था और बाद में मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। अब इसी को लेकर कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने उनकी क्लास लगा दी है। राजकुमार शर्मा ने कहा कि ये पूरी तरह से बचकाना बयान है। राजकुमार ने कहा, किसी भी टीम के सिलेक्शन में कोच और कप्तान की कुछ डिमांड्स होती हैं। हालांकि आखिरी फैसला सिलेक्टर्स के हाथ में ही होता है। अगर हार्दिक पांड्या का सपोर्ट किया गया तो उनको ऐसा बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। आपको कोच को शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने आपको टीम में चुना। हार्दिक चीफ सिलेक्टर को लेकर जो बातें कह रहे हैं उस पर तो चीफ सिलेक्टर को सफाई देनी चाहिए। बता दें, हार्दिक का प्रदर्शन विश्व कप में बेहद खराब रहा। टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले लगातार दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था। बतौर T20 कप्तान ये विराट कोहली का आखिरी टूर्नामेंट था। इस दौरान हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। टूर्नामेंट के दौरान हार्दिक ना के बराबर गेंदबाजी करते दिखे, जिस पर खूब सवाल उठाए गए। बहरहाल, आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि क्या हार्दिक का सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में सही था या नहीं।